उसमें जो मैं दिया गया है उसकी हम बात नहीं करेंगे तो हम तो एक तरह से गुलाम ही हुए ना। बीजेपी लगातार बोलती रही, आरएसएस लगातार क्लेम करती है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बहुत बड़ा कदम है ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ऐसे कानूनों को वापस करवाना पड़ेगा जिस जो धर्म के आधार पर हम लोगों को बांट रहे हैं। राजवीर आप यहाँ पे हैं, आप लोकल दिल्ली से हैं या पंजाब से बिलोंग करते हैं? मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, सिख फैमिली से। और अभी जिस तरीके से नरेट किया जा रहा है कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट है तो ये ऐसा नहीं है। हम लोगों को 84 याद है, 1984 में सिख कत्लेआम किया गया, ये लोग बांट बांट के मारना चाहते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से जो बीजेपी लगातार बोलती रही, आरएसएस लगातार क्लेम करती है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बहुत बड़ा कदम है ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ। हम लोग सब लोग अल्पसंख्यक दलित जो आदिवासी महिलाएं सब लोगों के ऊपर अटैक है और हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। अभी जब 1,00,000 लोग मतलब लाखों लोग जो सड़कों पे है, कभी मुंबई के अंदर 1,00,000 लोग सामने आ रहे हैं, 20,00,000 लोग एक साथ कोलकाता में निकल के आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे मतलब लाखों आपको आप सब सब मीडिया में आ रहा है। दलाल मीडिया को छोड़ के वो अलग नैरेटिव पेश कर रहे हैं, लेकिन आप इस दौरान हमें सब लोग मुद्दों को जोड़ के फासिज्म के खिलाफ जो संघर्ष है, आरएसएस बीजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने की जरूरत है ताकि हम लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ेंगे जो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, भारत की ज्यादातर आवाम के खिलाफ है। और हम लोग जब तक सीए और एनआरसी वापस नहीं लेते, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 इंच नहीं हटेंगे, लेकिन भारत का संविधान जो है वो ये लोग बदलना चाहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार यहाँ पे चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी और हम लोग इनको वापस भेजेंगे। यही मतलब जनता की ताकत है कि वो लोग आज हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं जनता ने। बहुत सारे तानाशाह आते हैं हिटलर जैसे, इनको मतलब हिटलर को जिस तरीके से याद किया जा रहा है उसी तरीके से मोदी को भी याद किया जाएगा और जनता जीतेगी क्योंकि यही सच की हमेशा जीत हुई है। यहाँ पर दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा, आपने सबसे पहले तो एक थोड़ा सा एक उदाहरण दिया आपने कि 84 में जो हुआ वो अब नहीं होने देंगे हम, लेकिन वो हमेशा जो पावर में गवर्नमेंट है वो हमेशा कहती है कि ये जो 84 में हुआ था वो सब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट की वजह से हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग का हमेशा से स्टैंड रहा है, शाहीनबाग में भी आप पंजाब से काफी सारे लोग आ चुके हैं, कई बसें आ चुकी हैं वहाँ पे, और वहाँ पे लंगर जो है पंजाब स्टेट के नाम से वहाँ पे चलाया जा रहा है, तो आप लोग का हमेशा सॉलिडिट रहा है, तो इन दो चीजों पे थोड़ा सा और रिएक्शन चाहेंगे हम। एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि वो पंजाब स्टेट की तरफ से नहीं है, क्योंकि स्टेट पे कब्जा है कांग्रेस का, और 84 के अंदर किसने किया था वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो कांग्रेस ने ही किया था। और जो जो सरकारें रही हैं वो हमेशा अल्पसंख्यकों के ऊपर इसी तरीके से हमला करते हैं। और पंजाब में जो पंजाब से जो लोग आए हैं वो नौजवान भारत सभा है, वो PSU है, और जो मतलब अलग अलग जो जो हमारे जैसे छात्र हैं वो आए हैं, हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो शहीनबाग के अंदर हैं, वो कोई मतलब कांग्रेस के लोग नहीं है। पंजाब में पंजाब के अंदर ये लोग बहुत सारे घपलेबाजी करके, हम लोगों को पता है इलेक्शन किस तरीके के हो रहे हैं, गांव का स्ट्रक्चर हम लोग को पता है कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के अंदर। तो हम लोग अभी पंजाब के लोग, आम लोग जो 84 में भी लड़ रहे थे आज भी लड़ रहे हैं, और आज वो मुस्लिम के साथ प्रोटेस्ट बैठ के कर रहे हैं, तो हम लोग उनके आज भी हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉलिडरिटी में है और शहीनबाग के अंदर भी सॉलिडरिटी है, जहाँ जहाँ पे ये लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुस्लिम्स तो आतंकवादी हैं। ठीक है, कश्मीर के लोगों को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से 84 के बाद सिखों को प्रेजेंट किया गया था, ये तो मतलब जो ये लोग तो आतंकवादी हैं, और आज भी वो जो दर्द है पंजाब मतलब फेस करता है उसको याद है, जो 1947 के अंदर इन लोगों ने बांटा, पाकिस्तान सिर्फ धर्म के आधार पे बना, पंजाब उसके भी खिलाफ है, तो हम लोग इस तरीके की राजनीति के ही खिलाफ है। बिल्कुल, एक चीज तो देखने को मिलती है कि आप लोग बहुत निडर कौम है, जितना मुसलमानों ने कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाई उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने आवाज उठाई है, और वहीं पे एक और कश्मीर बंधुआ दिखाई दे रहा है नॉर्थ में, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, आप लोग हमेशा स्टैंड लेते हैं तो जरा इसके बारे में भी टिप्पणी कीजिए। इसमें हम लोगों का एक ही चीज है, जिस तरीके से सबसे पहले आसाम के अंदर इस चीज को लागू किया गया और 1600 करोड़ रुपए खर्च किया है जो गवर्नमेंट ने, उसमें इनका एक चीज था कि वहाँ पे आसाम के अंदर भी लड़ाई चल रही थी और इन लोगों ने लोगों को बांटा है, एक तो उनकी लड़ाई को खत्म करने के लिए, दूसरा कि ये लोग आपस में लड़ जाएंगे, NRC को लागू करना है क्योंकि पूरे भारत में लागू करना है, तो
तो सबसे पहले असम के लोगों को बांट के अभी क्या हो रहा है कि वहाँ की जनता जो है अभी एनआरसी के पक्ष में है। आप बोलेंगे कि जो हमारे साथ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट की जो चाल समझ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि असम के लोगों को तो एनआरसी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों का यही स्टैंड है कि असम की लड़ाई को कुचलने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले असम के अंदर एक तीर से दो निशाने किए मोदी सरकार ने, और इस चीज को और भी समझाएंगे और डिस्कशंस में लेके आएंगे कि नेशनलिटी का मूवमेंट भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि जगह जगह पे लोग डर रहे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी को और मजबूत करना चाहिए, ये तोड़ रहे हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता? बहुत छोटी सी तादाद में आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी आवाज आप लोग उठाते हैं हर जुल्म के खिलाफ, तो क्या कहेंगे आप? डरने की क्या बात है, इसमें हमारा हक है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें हक दिया गया है उसकी हम बात नहीं करेंगे तो हम तो एक तरह से गुलाम ही हुए ना, और आज़ाद हम कहते हैं कि आज़ाद देश है, तो आज़ाद देश कैसे हुआ? अगर आप कह रहे हैं कि डर गए, तो डर किस बात का? हम कुछ गलत कर रहे हैं तो डरें, अगर जो पनिशमेंट्स दी जाती हैं, जो प्रोविजन है अपने समय उसमें जितने भी एक्ट्स हैं उसमें प्रोविजन है, वो पनिशमेंट जितनी भी है वो किसी क्राइम के लिए है, किसी के लिए है। हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा हक है। हमें नहीं सही नहीं लग रही पॉलिसीज, सही है ही नहीं उनकी सरकार की पॉलिसीज, इसमें डरने की क्या बात है? देश को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, देश को बर्बाद कर दिया इस तरीके से। NDP लेके आया गया, पूरा एजुकेशन को प्राइवेट कर रहे हैं, नौकरियां इसमें इस देश में नहीं है, लगातार आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है, अनपढ़ता है इस देश में लगातार, मतलब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बेरोजगारी के, और हम लोगों का देश बर्बाद हो गया है। और अभी हम लोग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भगत सिंह ने भी लड़ाई लड़ी, अगर वो डर जाते तो वो हम लोग आज जिस रास्ते पे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरीके से आज जरूरत है कि बिना डरे हम लोग भगत सिंह जैसे लोगों के रास्ते पे चले, ताकि इस देश को बचाया जा सके। बहुत सारे लोग इस लड़ाई को लड़ते लड़ते जेलों के अंदर हैं, जेलों इन लोगों ने भर रखी है, जो लोग दलित कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं, जो लोग आदिवासियों के लिए बोल रहे हैं, जो लोग अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनको उनके ऊपर UAPA लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके के काले कानून डेमोक्रेसी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते होने चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी को बचाना पड़ेगा। UAPA वजह से कानूनों को वापस करवाना पड़ेगा, ऐसे कानूनों को वापस करवाना पड़ेगा जो धर्म के आधार पे हम लोगों को बांट रहे हैं। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।